फ्रेंड्स, मैं हूँ लीला। लीला की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ टिंडे और चना दाल की स्वादिष्ट सब्जी। तो ये मैं ले ली हूँ टिंडे, टिंडा हमारा आधे किलो है, और चना दाल मैं भिगा के रख ली थी पहले से। तो टिंडे को हम छील लेते हैं इसको, और थोड़े मोटे वाले टुकड़ों में इसको काट लेंगे। पहले तो मैं छील लेती हूँ इसको। तो टिंडे को इस तरह से हम बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे, क्योंकि इसको मैं कुकर में बनाने जा रही हूँ। इसको चार पीस कर देंगे, जो बड़ा है वो उसको पांच पीस कर देंगे। तो इसी तरह से सारे टिंडे हम काट के रख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम सारे टिंडे हैं उसको काट लिए हैं, देख सकते हैं इतने मोटे मोटे काटे हैं, क्योंकि इसको कुकर में बनाने जा रहे हैं। तो हम डाल लेते हैं इसमें टिंडे, चना दाल, चार टमाटर ले ली हूँ यहाँ पे, हल्दी पाउडर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच, स्वाद अनुसार नमक। इसमें हम एक से डेढ़ गिलास पानी डाल देंगे। फिर इसको ढक्कन लगा देंगे इसका, और दो से तीन सीटी तक इसको पकाएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं ठंडी हो गई है। तो देख सकते हैं सब्जी बहुत ही अच्छी पक गई है। तो आप ज़्यादा मसाले वाले खाना पसंद करते हैं, तो इसमें आप खड़ा मसाला का तड़का लगा सकते हैं। आज मैं देसी तरीके से तड़का लगा रही हूँ, तो मैं लहसुन और सूखे मिर्च में तड़का लगाऊंगी, बिल्कुल कम मसाले वाली। तो यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे तेल, दो से तीन चम्मच, इसको गर्म होने देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी कटी हुई लहसुन चार से पाँच, आधी चम्मच जीरा, अगर सरसों पसंद करते तो सरसों भी डाल दें इसमें। थोड़ा इसको तड़कने देंगे। इसमें हम डालेंगे तीन खड़ा मिर्च सूखी वाली, मेथी है तो इसमें मेथी भी आप डाल सकते हैं, डाल रही हूँ कड़ी पत्ते, और दो प्याज बारीक कटी हुई। प्याज को थोड़ी भून लेंगे कलर चेंज होने तक। प्याज का जो कलर है हल्का सा चेंज हो गया है, तो इसमें मैं डाल दूंगी एक चम्मच अदरक और लहसुन का कुटी हुई पेस्ट, एक चम्मच कस्तूरी मेथी, इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इसमें मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर एक चम्मच, लाल मिर्च स्वाद अनुसार या आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसाले जो है अच्छे से भून गई है, तो इसमें हम डाल देंगे सब्जी को। सारी सब्जी इसमें डाल देंगे, इसको दो से तीन मिनट ढक के पकाएंगे, ताकि जो सारे मसाले के जो फ्लेवर है ना उसमें सब्जी में अच्छे से आ जाए। इसको हम ढक के पकाएंगे दो से तीन मिनट तक। तो ये तीन मिनट हो गया है, तो इसको हम कर लेते हैं चेक। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सब्जी बनके तैयार हो गई है टिंडे की, और ऊपर से मसाले डालने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छी टेस्ट है एकदम सिंपल से तड़का में। तो बना के ज़रूर ट्राई करें टिंडे और चना दाल की सब्जी। और रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।